बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, विधान परिषद के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, उपस्थित सभी विधायकगण व पूर्व विधायकगण, सांसदगण व पूर्व सांसदगण, बिहार से जुड़े प्रमुख जनसेवकगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, मुख्यमंत्री जी, जब मुझे बिहारी राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर रहे थे तो मैं अंदर से, हृदय से गदगद महसूस कर रहा था। और गदगद इसलिए महसूस कर रहा था कि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू और इसी बिहार की धरती के राज्यपाल बनकर के गए, राज्यपाल थे, बाद में वो राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। उन्होंने जो विरासत छोड़ी है उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व मुझे मिला। और सचमुच में जब मैं बिहार आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया हूँ। कभी कभी लोग हमारे सचिवालय में ये सवाल कर देते हैं कि बिहार सरकार का निमंत्रण हो या बिहार का अन्य कोई निमंत्रण हो तो आप कभी टाल मटोल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मैं कहता हूँ कि बिहार से कुछ मेरा एक राज्यपाल का ही नाता नहीं है बल्कि कुछ और भी नाता है, और वो नाते को मैं ढूंढता रहता हूँ, और जिसको कभी कभी मुख्यमंत्री जी उसका उल्लेख कर देते हैं, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति यहाँ पर हुई इस धरती पर, और उन्होंने जो एक हम सबको एक पद्धति दी है, विपसना पद्धति, उस कार्य में भी मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि मेरा योगदान रहा और उसको मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। मैं इसके लिए आज मुख्यमंत्री जी को हृदय से मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ। देवी और सज्जनों, बिहार हमेशा इतिहास रचता है। आज एक इतिहास रचा गया। उसके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाने से लेकर 1970 के दशक में ईमानदारी और उज्ज्वल चरित्र के प्रतीक जननायक कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने तक इस धरती ने समता मूलक परंपरा स्थापित की है। बिहार में सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए प्रयास और योगदान हेतु राज्य के सभी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भी प्रशंसा के पात्र हैं। हमारे स्वाधीन गणतंत्र की स्थापना के लगभग 25 वर्ष बाद, जब भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात हुआ, तब बिहार के ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने लोकतंत्र के हित में देशव्यापी संघर्ष को असाधारण नेतृत्व प्रदान किया था। राज्यपाल के रूप में बिहार मंडल के दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन को मुझे 3 बार संबोधित करने का सुयोग प्राप्त हुआ था। बिहार में सुशासन तथा न्याय के साथ विकास की दिशा में जन कल्याण एवं समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है। यह तथ्य सराहनीय है कि विगत 4 वर्षों में बिहार के स्टेट जीडीपी में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। देवी और सज्जनों, बिहार में जनसेवा की समता मूलक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री नीतीश कुमार जी ने स्वाधीनता के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद के निर्वहन का कीर्तिमान स्थापित किया है। उनका सहयोग मुझे बिहार के राज्यपाल के रूप में भी मिला और भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी मिलता रहा है। देवी और सज्जनों, सन 1921 की विधानसभा के अपने संबोधन में
गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने कहा था कि मादक पदार्थों अथवा मदिरा के उत्पादन तथा बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोई सुनिश्चित नीति होनी चाहिए। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का कर्तव्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। इस कर्तव्य में मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के सेवन का निषेध करना भी शामिल है। गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित इस संवैधानिक अनुच्छेद को बिहार विधानसभा द्वारा कानून का दर्जा देकर लोक स्वास्थ्य तथा समाज विशेषकर कमजोर वर्ग की महिलाओं के हित में एक बहुत कल्याणकारी अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम को कानून का दर्जा प्रदान करने का अवसर मुझे भी मिला था। देवी और सज्जनों, कुछ ही दिनों बाद हम सभी देशवासी दीपावली और छठ का त्यौहार मनाएंगे। छठ पूजा अब एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। नवादा से न्यू जर्सी तक और बेगूसराय से बोस्टन तक छठी मैया की पूजा बड़े पैमाने पर की जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि बिहार की संस्कृति से जुड़े उद्यमी लोगों ने विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाया है। मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार स्थानीय प्रगति के सभी आयामों पर भी बिहार के प्रतिभावान व परिश्रमी लोग सफलता के नए मानदंड स्थापित करेंगे। प्रिय विधायक गण, राज्य की जनता आप सभी जनप्रतिनिधियों को अपना भाग्य विधाता मानती है और उनकी आशाएं और आकांक्षाएं आप सब पर ही टिकी होती हैं। सभी देशवासियों में, जिनमें बिहार के निवासी भी शामिल हैं, अपने बेहतर भविष्य के लिए उनकी ललक दिखाई पड़ती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी विधायकगण अपने आचरण और कार्यशैली से जनता की आशाओं को यथार्थ रूप देने का प्रयास करते रहेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सब ने सामाजिक अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त तथा सम्मानों से पूर्ण बिहार के निर्माण के लिए संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। मेरी यह कामना है कि आप सभी विधायकगण आज सदन में लिए गए संकल्पों को कार्यान्वित किया करें तथा बिहार को एक सुशिक्षित, संस्कारित और सुविकसित राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहें। आपके ऐसे प्रयासों के बल पर मुझे विश्वास है कि सन 2047 तक, यानी देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक, बिहार ह्यूमन डेवलपमेंट के पैमानों पर एक अग्रणी राज्य बन सकेगा। इस प्रकार राज्य की विधायिका की शताब्दी का यह उत्सव सही मानों में सार्थक सिद्ध होगा। गंगा नदी के वरदान से युक्त इस क्षेत्र में आकर मुझे बिहार में जन्मे मनीषी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पंक्तियां याद आती हैं। दिनकर जी ने कहा था, गूंज रहे तेरे इस तट पर गंगे, गूंज रहे तेरे इस तट पर गंगे, गौतम के संदेश ध्वनित तो हो रहे इन लहरों में देवी, अहिंसा के संदेश। ऐसे उदांत मूल्यों को बिहार के विधायक गण अपनी कार्यशैली में ढालेंगे और बिहार की विधानसभा राज्य की उन्नति के स्वर्णिम अध्याय लिखेगी। इसी भावना के साथ मैं आप सभी को आगामी त्योहारों के लिए अग्रिम बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी बिहारवासी प्रगति के उच्च शिखर पर पहुँचें। धन्यवाद। जय हिंद।